दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले चूड़े को थोड़ा सा मैं भिंगो लेती हूँ। और थोड़ा सा इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। A few moments later. तो हमारा चूड़ा थोड़ा सा फूल चुका है और मैं इसे पानी जो भी बचा हुआ है इसको निकाल देती हूँ। अब मैं इसमें ये पतीला चढ़ा दी हूँ और इसमें डाल रही हूँ तेल। A few moments later. हमारा तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च। और मैं अब इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ ताकि ये प्याज जल्दी से गल जाए। A few moments later. अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम ताकि प्याज और बादाम दोनों एक साथ लाल हो पाए। तो ये प्याज अच्छे से अब लाल हो रहा है। अब प्याज बिल्कुल लाल हो चुका है और बादाम भी। तो अब हम इसमें थोड़ी सी मसाला ऐड करते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी गुंडी, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा और नमक। A few moments later. ये मसाला भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चूड़ा। A few moments later. और मैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारा पोहा कैसा लग रहा है देखने में कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, ये हमारा पोहा है बनकर तैयार और अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर सर्व करती हूँ। कमेंट में बताइएगा कि हमारा पोहा आपको कैसा लगा। चलिए, तो हमारा पोहा है बनकर तैयार और आप लोग बताइए कमेंट में कि हमारा पोहा आपको कैसा लगा।